बाप क्षेत्र में 3 दिन से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, लेकिन नमक उत्पादन क्षेत्र बाप ऋण, गुड्डी ऋण व मलाह ऋण में बरसाती पानी की आवक जारी है। भारी पानी आने से गुड्डी व मलाह ऋण का इलाका जलमग्न हो गया है, जिस वजह से वहां का नमक उद्योग तबाह होने के कगार पर पहुंच गया है। पानी में डूबे सैकड़ों कुएं ध्वस्त व क्यारियां क्षतिग्रस्त हो रही है। ऐसे में यहां 4 से 6 माह तक नमक का उत्पादन बंद ही रहेगा। नमक उत्पादकों ने यहां बरसात के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। मलाह ऋण के समीप सिंचित क्षेत्र भी डूबा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों की जगह पानी ही पानी नजर आ रहा। वहां के ग्रामीणों की माने तो करीब 150 घर आज भी पानी से घिरे हुए हैं। बाप ऋण क्षेत्र में जगह जगह बरसाती पानी जमा है। GSS के निकट ऋण इलाका उथले समुद्र की भांति दिख रहा है। पानी की वजह से उत्पादक अपनी क्यारियों व कुओं तक नहीं पहुंच पा रहे। सड़क के नज़दीक जिनके कुएं व क्यारियां हैं वे पानी निकासी के जतन कर रहे हैं। नमक उत्पादक गोविंदराम तंवर व विशंबर चावड़ा ने बताया कि गुड्डी व मलाह ऋण क्षेत्र में आ रहे पानी की निकासी बाप ऋण की तरफ की गई तो यहां भी हालात खराब हो सकते हैं। गुड्डी ऋण में भरे पानी को ननेऊ जाने वाली सड़क तोड़कर निकाला जा रहा है। यहां से पानी बाप ऋण की तरफ आएगा। वहां मिले हमीद व बबलू चावड़ा ने बताया कि ऋण में अभी भी भारी तादाद में पानी आ रहा है। सब कुछ डूब गया है। जल स्तर बढ़ने पर गुरुवार शाम इस सड़क को तोड़ना पड़ा। इसके अलावा 5 अन्य जगहों पर अन्य सड़कें भी तोड़ी गई। हमीद ने बताया कि ऋण गांव में 150 से अधिक लोगों के घर 4 दिनों से पानी में डूबे हुए हैं। वहां रहने वाले लोगों को अपने रिश्तेदारों के यहां जाकर शरण लेनी पड़ी। नमक उत्पादन क्षेत्र के समीप ऋण गांव में भी बाढ़ के हालात है। 4 दिनों से पानी में डूबे लोग पानी की निकासी की जद्दोजहद अपने स्तर पर कर रहे हैं। ऋण सड़क पर स्थित कासम खान की 400 बीघा जमीन पर बोई खरीफ की सारी फसल 3 से 4 फीट पानी में डूबी हुई है। उनके खेत में अभी भी तेज गति से पानी आ रहा है। उनका मकान भी पानी से घिरा हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 दिनों से यही स्थिति है। उनके खेत के आसपास करीब 3000 बीघा सिंचित क्षेत्र पानी में है। किसानों की फसलें तबाह हो गई है। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। नमक उत्पादन ठप होने से सैकड़ों हाथ बेरोजगार हो गए हैं। इसकी ज्यादा मार क्यारियों में काम करने वाले श्रमिकों, उत्पादन से जुड़े व माल ढुलाई के श्रमिकों पर पड़ी है। नमक उत्पादन संगठन फलोदी के मधु जोशी ने बताया कि इस क्षेत्र में 400 इकाइयों में सालाना 2 से 2.5 लाख टन नमक का उत्पादन होता है। पानी की वजह से बड़ी तादाद में कुएं टूटने के कगार पर है। सही आकलन पानी उतरने के बाद ही पता चलेगा।